आई लव यू मामा। हेलो सुपर मॉमीज, कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी, जिसका नाम है शकरकंद की खीर। दोस्तों, शकरकंद बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, साथ ही ये बच्चों के वेट गेन में भी हेल्प करती है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है, यानी कि बच्चों के बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाती है। इस रेसिपी को आप एक साल से छोटे बच्चे हों, या एक साल से बड़े बच्चे हों, या फिर स्कूल गोइंग बच्चे हों, आप सबको दे सकते हैं। बच्चों की एज के हिसाब से हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं और कैसे बनाना है इसे बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। इसके अलावा मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 2 शक्करकंद, 1 कप दूध, 4 चम्मच अनरिफाइंड रॉ शुगर। अगर आप चाहें तो अनरिफाइंड रॉ शुगर के बजाय गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, 5 से 6 केसर के स्ट्रैंड्स और 1 चम्मच देसी घी। तो अब सबसे पहले हम स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद को छील के धो के उसको चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। पीसेस कर लेने के बाद हम उसे ऐड करेंगे अपने ग्राइंडिंग जार में। ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, फिर हम ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें इसकी प्यूरी बनाकर रेडी करनी है। तो अब हम लेंगे एक पैन, पैन में ऐड करेंगे ब्लेंड किया हुआ शकरकंद। शकरकंद ऐड कर लेने के बाद हम इसमें मिलाएंगे देसी घी और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप दूध। दूध ऐड कर लेने के बाद हम लगातार चलाते हुए इसे शकरकंद के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें उबाल आ जाने देंगे। ये देखिए, खीर हमारी अब बॉईल हो रही है। इसी तरह से तकरीबन 1 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेंगे। जब हम इसे पका रहे होंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम लगातार जो है खीर को चलाते रहेंगे। एक मिनट हो चुका है और खीर बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर के स्ट्रैंड्स, ड्राई फ्रूट पाउडर, इलायची का पाउडर, अनरिफाइंड रॉ शुगर। अगर आप चाहें तो आप शुगर की बजाय गुड़ या फिर खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऐड कर लेने के बाद हम इन्हें खीर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारी खीर बनके एकदम तैयार है और इतनी जबरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है कि मुझे मन कर रहा है कि काश मैं वीडियो में से ही आपको इसकी खुशबू सुंगा सकूं। आप इसे 9 महीने से बड़े बच्चे के लिए इजीली बना सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम 1 साल से छोटे बच्चे के लिए इस तरह की कोई डिश बनाते हैं तो उसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें हम गुड़ या फिर खजूर जैसे नेचुरल स्वीटनर्स का यूज करते हैं। और वैसे भी हम व्हाइट शुगर का इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ये बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप टेस्ट एनहांस करने के लिए एक चीज और कर सकते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन्हें चॉप करके उन्हें देसी घी में फ्राई करके इसके ऊपर ऐड कर लीजिएगा, तो इसका मजा दुगना हो जाएगा। पर अगर आप नहीं भी ऐड करते हैं तब भी ये इतनी जबरदस्त बनेगी ना कि आपको कुछ भी और ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके देखते ही देखते ये पूरी खीर खत्म भी हो जाएगी। तो भाई, इस सुपर हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए और अपने फीडबैक मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है इस रेसिपी से रिलेटेड तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।